What's up? Welcome back to my channel. What a solo. So guys, guess what? अब हम जा रहे हैं अजमेर. मतलब हमारी प्लानिंग बहुत टाइम से चली थी, बट फाइनली हम अजमेर जा रहे हैं फॉर 3 डेज. तो मैं ये ब्लॉग बनाऊंगी. बस अब जा रहे हैं, मम्मी भी है, भाई है, मैं भी बोली कैमरा मैन है. लेट्स गो. सो गाइस, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत घूर रहे हैं और बहुत अजीब लग रहा है. सो मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. और ये आई होप आपको वीडियो पसंद आए और जितना हो सकेगा मैं कैप्चर करूँगी सब चीज़ें. तो यस बाय. पर गाइस, अगर आप मेरी मम्मी के साथ एक दिन रहोगे तो आप सीधा बेहोश हो जाओगे, वरना कोमा में हॉस्पिटल में पहुँच जाओगे. कितनी बातें करती हूँ. और मेरे नाम का मार्क्स पहन के रखा है मम्मी ने, इतना प्यार करती हूँ मुझसे. क्यों तो हाल कच्चा बनाओगे स्टेप कैसे है? तो बताते कैसे कच्चा, तो मैं क्या स्टेप कर रहा हूँ? वो क्या करता है, वो तो बोलता रहता है. तो नहीं, जो स्टेप कर रहे हैं ऐसे वाला मेरे पास एक तो बनाती हूँ. मैंने देखा क्या देखो. सो गाइस, हमें एक रील बनानी है ट्रेन में. अभी कच्चा है, बाद में बताते. अभी हम बैठ चुके हैं और देखो ट्रेन कब चलेगी. जल्दी का पालन कर रहे हैं सर, हम मास्क लगा रहे हैं भाई. मास्क लगा रहे हैं, मास्क कर तुम्हारा, मास्क कर. सब लोग मास्क मास्क ही रहेंगे. ये टेंशन में रहती हैं. देखो तुम का डालो इधर ले आओ कैमरा. आपको कुछ दिखाऊंगी. ये देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है, माशाल्लाह. अरे भाई, आ चुके हैं फाइनली. मॉर्निंग गाइस. तो हम सुबह उठ चुके हैं और हम देख रहे हैं अशु संजीव. अभी हम रेडी होकर दरगाह जाएंगे. सब एक ही करके रेडी हो रहे हैं और अभी हो रहा है टाइम 11. सो यस, मैं भी थोड़ी रेडी हो जाती हूँ. गाइस, वी आर रेडी एंड अभी हम जा रहे हैं दरगाह. आई एम गोना शो यू माय आउटफिट. आई लव दिस, यू नो, डिसेंट आउटफिट. अजमेर में इतनी भीड़ होती है हमेशा जब भी हम आते हैं. और अभी हमने हाजिरी दे दी, धक्के मुक्के खा के हम जल्द बाहर आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी. एंड अब बैठे हैं. सो गाइज, आप देख सकते हो हम 2.5 दिन का झोपड़ा आ चुके हैं. एंड पर हम बिल्कुल मूड में नहीं है. हम खाना खाने जा रहे थे जैसे मैंने आपको बताया था रेडी होके, बट द थिंग इज मेरे भाई का वॉलेट चोरी हो गया उनके पॉकेट में से. ये बहुत यू नो नॉर्मल बात है अजमेर में, बिकॉज एवरी वन नोज कि यहाँ क्या होता है. बट इट्स फाइन, आप कभी भी अजमेर जाओ अपने बैग सब चीज़ें संभाल के रखो, बहुत रिस्की है. तो हमारा बिल्कुल मूड अब ऑफ हो चुका है, बिल्कुल दिल टूट चुका है क्योंकि हमारा फर्स्ट डे ट्रिप पे ऐसा होता है तो दिल टूट जाता है. अब देखो हम क्या करेंगे. अब लेट्स सी वेयर विल गो. गाइस, अभी हमने खाना खाया है जस्ट. मम्मी क्या कहना है, पर्स गायब हो गया? टेंशन के चक्कर में रुक जाओ. जिसका पर्स घुमा है उनसे हम रिव्यू लेते हैं. कैसा लग रहा है आपको पर्स घूम गया था? खुली थोड़ा वॉक कर लेंगे. आज का दिन यू नो थोड़ा अच्छा था, बट हमारे साथ एक हादसा हो गया, बैग लॉस्ट हो गया, उसकी वजह से यू नो सब एकदम मूड ऐसा हो गया. ऐसे था ऐसा हो गया. मैं अभी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है. सो लेट्स गो. दिन भर खाती रहती है. ये जीता जागता हुआ एक बैर काफी के अब सोने जा रहा है. मेरे नूनू के ना प्यारे लग रहा है सोते हुए. मेरा
तो गाइस हम लोग 9 बजे से उठे हैं और अब तक बेड पे ही बैठे हैं, हम लोग रेडी नहीं हो रहा है कोई जल्दी। सो अभी बज रहे हैं 11, हम 12 बजे निकलेंगे और आज का प्लान है कि हम तारागढ़ जाएंगे और अन्नासागर जाएंगे। मैं बार बार भूल जाती हूँ, अन्नासागर जाएंगे एंड वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है और आज मैं अच्छे से रेडी होने वाली बिकॉज मुझे बहुत सारी वीडियोज़ लेनी है। सो लेट्स गो आज दे सेकेंड आई होप अच्छा। कौन कौन अजमेर आ चुका है मुझे बताओ, कितनी बार आया मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आई थिंक मेरा हम लोग कितनी बार आएंगे अपने यहाँ पर, है ना? तो मैं आ गई होंगी 5-6 बार आ गई होंगी। हाँ, फिफ्थ टाइम, मेरा फिफ्थ टाइम होगा ये, हमेशा अच्छा ही होता है। तो कल की तरह हमारा आज भी ब्रेकफास्ट है, क्या मम्मी? कचौड़ियाँ। बोल यार, मैं कल जो हमने ये खाया था, ये देखो जेब कतरी, बताओ क्या जयपुर में उसका भला करो, उसको भी जरूरत थी। अच्छा, क्या कर रहे हो? सो गाइस, अन्ना सागर इज हियर, बबरी एकदम पोज देते हुए शाहरुख खान वाला, कल बैग घुमा दिया इनने। और मम्मी, इतनी धूप में आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, पता है, धूप के चक्कर में मेरा फोन हैंग हो रहा है, वीडियो नहीं बन पा रही। कितने दिए तुमने? आपको टाइम वगैरह से दे देना, आप अकेले नहीं आओगे। तो भी आप एक काम करो, आप मुझे घर से सारा गए आ चुके हैं, हम दरगाह के अंदर भी आ चुके हैं, घूमते 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 चक्कर आने लगे। सागर इज ऑल्सो डन एंड नाउ वी आर सो हंग्री, सो हम खाना खाने जा रहे हैं। खाना खाने के बाद हम थोड़ी शॉपिंग करने जाएंगे बिकॉज कल हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, तो कल तो आई थिंक सो नहीं घूम पाएंगे ज़्यादा क्योंकि हम 5 बजे रिटर्न हैं। तो अभी हम जाएंगे शॉपिंग करने एंड देन लेट्स सी व्हाट विल डू। अन्ना सागर वॉज फन लाइक, सो अभी हम शॉपिंग करने आए हैं। कैसी लगी मम्मी लस्सी? कैसी है? मुंबई जैसी है? मुंबई से अच्छी है, मुंबई से अच्छी है। अल्फी आप क्या कहना चाहोगी? इसको तो कुछ भी खिला दो, वो तो खा लेती है। तू भी अजमेर आए, लस्सी ज़रूर पीना और यहाँ का दूध पीना, रबड़ी दूध। हाँ, ये मैंने अच्छा इनको मैंने अभी बताया 5 मिनट पहले, और अच्छा है और लस्सी भी मिल गया फाइनली मेरे साइज का कड़ा। मैं दुकान पे रखी हुई चिल्लड भूल गई, अब प्यार दिखा रही थी, हाथ पकड़ रही थी, हाथ छोड़ के भाग गई। गाइस दिस इज आवर फर्स्ट बोल रही लास्ट नाइट इन अजमेर एंड हम अभी खाना लेकर आए, हम खाना खाने जाएंगे। सो इट वाज रियली फन एंड आई लव्ड अजमेर, आई ऑलवेज लव अजमेर। ये है हाँ, सबसे मेन आज बारिश हो रही थी और अच्छा हो गया हमारा ट्रिप फिलहाल के लिए, सोने चलो। हम सुबह दरगाह जा रहे हैं फजर की नमाज के लिए क्योंकि दरगाह सुबह सुबह बहुत खूबसूरत लगती है और सुकून लगता है वहाँ पे, और भीड़ भी नहीं होती ज़्यादा एंड यू कैन सी द रौनक ऑफ अजमेर। सुबह सुबह भी सब चीज़ें खुली हैं, तो मैं दुआ करूँगी कि सब कुछ जो है कबूल हो। लेट्स गो। तो हम ये आ गए हैं कचौड़ी खाने, क्या चाहिए? क्या ये चाहिए? ये पहनेगा तू? क्या? अच्छा ये पहनेगा? ये देखो यार, अच्छा लग रहा है बाबा जी का। गेस व्हाट गाइस, मम्मी जा चुकी है मार्केट एंड आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है 2 घंटों के लिए क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अर्श को लेके वहाँ इतनी धूप में नहीं घूम सकते हैं। तो जो लोग मुझे बोलता था कि व्लॉग बनाओ अपने भाई के साथ, आप कैसे रहते हो पूरे दिन, तो आप 2 घंटे में देख सकते हो कि मैं कैसे रहती हूँ।
कम या कम बोला हाय कैसे हो नहीं कैसे हो बोल मैं अच्छा हूँ मैं अच्छा हूँ बोलो अच्छा चलो ठीक है बाय कर दो बाय लव यू बोलो ठीक है लव यू गुड नाइट गुड नाइट बोले गुड नाइट हम सोने जा रहे हैं अब मेरा प्लान है इसको सुलाने का क्योंकि सोया नहीं सुबह 7 बजे चढ़ के मेरी नींद खराब कर दी है कौन है ये कौन है नहीं ये कौन है और ये नहीं ये कौन है ये गैया तू गैया नहीं तू कौन है आयश मेरा कमाल मैं नोना सो गया एक्चुअली गाइस वो जल्दी उठ गया था सुबह 8 बजे से उठा है हमें सोने भी नहीं दिया तो सुबह दरगाह जाके आए उसके बाद यू नो थक गए थे बट यार जल्दी उठ गया वैसे ये 2 दिन से अच्छे से सो रहा था आज नहीं सोया तो मैंने इसलिए मार्केट में नहीं गई मैंने बोला यार इतनी धूप में कहाँ लेके घूमेंगे इसको उससे बेटर तो ये सो जाए तो अभी ये सो गया ये उठ जाएगा 1 घंटे में देन विल लीव फॉर 2.5 दिन का झोपड़ा वहाँ पर मुझे शूट करना है अच्छे से और मैंने पता है उस दिन हम लोग गए थे वहाँ पर तो मेरे भाई का बैग चोरी हो गया था तो पूरा मूड ऑफ हो गया तो हम बैठे भी नहीं मतलब मूड ही नहीं था कुछ करने का तो मैंने बोला कौन करेगा शूट यार कुछ किया ही नहीं तो आज मैं शूट करूँगी वहाँ पे लेट्स सी अभी मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ आज ठीक है 2.5 दिन के झोपड़े से हो चुका है हमारा शूट और हमने शूट भी कर लिया और अब हम जा रहे हैं खाना खाने और फिर हम चले जाएँगे यहाँ से तो ये हमारा लास्ट स्पॉट था आज बहुत याद आएगी यहाँ पे 2-3 दिन से तो यहाँ पे ही है यहाँ पे हमने इतने लोगों से पहचान कर लिया ना कि उनकी बहुत याद आएगी सो गाइस हमारी अजमेर की ट्रिप डन हो चुकी है हम लोग मेरी ब्लॉग कंप्लीट होने चुप अभी हम चेकआउट करेंगे 6 बज रहे हैं 6:30 तक हम यहाँ से निकल जाएंगे और ट्रिप वॉज अमेजिंग लाइक आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग एंड मैं कंटिन्यू करूँगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग क्या बनाऊँ इसको इग्नोर कर रहा हूँ बाय